हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका टेक्निकल नरू का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कैसे कर सकते हैं। यदि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अभी पब्लिकली है, यानी कि कोई भी आपकी पोस्ट वगैरह को देख सकता है, कोई भी लाइक कर सकता है, कोई भी शेयर कर सकता है, और आप नहीं चाहते हो कि इस तरीके से लोग आपकी पोस्ट को देखे या फिर शेयर करे या फिर कुछ भी, मतलब आप उसे प्राइवेट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से प्राइवेट कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा काम कर देना है। जो आप अभी हमारा वीडियो देख रहे हो, इसको सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, और लाइक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसके ऊपर क्लिक करके बेल पे और ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि दोस्तों, जैसे हमारा आप बेल पे क्लिक करोगे तो हमारी जो वीडियो है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कमेंट में जाके भी एक अच्छा सा आपको कमेंट कर देना है, जैसे नाइस वीडियो, नाइस ट्रिक आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे कि मैं नाइस वीडियो यहाँ पे लिख देता हूँ, और या फिर कुछ पूछना चाहते हो आप मेरे से तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको भेज देना है, बस इतना सा काम करना है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं अपना इंस्टाग्राम है इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में मैं इसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि ये जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम यूजर आईडी वगैरह आप देख सकते हैं, आईडी वगैरह, नंबर वगैरह, मेरा नाम वगैरह देख सकते हैं, और आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, और कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इतना सा आपको काम करना है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम को प्राइवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है, और थ्री लाइन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको है ना एक ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ना आपको इसको स्क्रॉल कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको, जैसे ही करेंगे स्क्रॉल, तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिखेगा अकाउंट प्राइवेसी का, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या पहले पब्लिक हो रखा था, यहाँ पे देखो पब्लिक शो हो रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और इसको प्राइवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको प्राइवेट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे देखोगे ना रिव्यू फॉलोवर्स, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अब इससे क्या होगा कि जो भी आपके फॉलोवर्स हैं, वो मतलब जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आप उसको अप्रूव्ड करेंगे, मतलब उसको कंफर्म करेंगे, तभी आपकी कोई पोस्ट वगैरह है, आपकी फोटोज वगैरह है, उन्हें लोग देख पाएंगे, ठीक है। उससे पहले नहीं देख पाएंगे, आपका जो अकाउंट है प्राइवेट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे कि देख सकते हो, मेरा अकाउंट मैंने अभी प्राइवेट इसको कर दिया है, ठीक है। मैं तो खैर अभी इसको चेंज कर दूंगा, थोड़ी देर में वापस पब्लिक कर दूंगा, क्योंकि मुझे पब्लिक ही रखना है इसको, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। तो आपको प्राइवेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है, और यहाँ पे देखोगे आप तो अकाउंट प्राइवेसी है, तो यहाँ पे पब्लिक से आपको प्राइवेट को ऑन कर देना है, ठीक है। तो ये प्राइवेट जैसे आप करेंगे तो आपका अकाउंट है जो प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इस टाइप की आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।